नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। कल के जो वीडियो में एक मैंने जो टर्निंग बात बताई थी कि यस बैंक अलर्ट है, डबल बॉटम के बारे में बताया था। और यस बैंक में अभी जो आज के जो मार्केट की अभी जो मैं हालत देख रहा हूँ, अभी सुबह सुबह मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, तो यस बैंक वोलेटाइल हो सकता है। देखो, यस बैंक ने गुमराह करने के लिए भले ही यहाँ पे 3 लाख के लगभग बाइक क्वांटिटी लगी हुई है, ध्यान देंगे 3 लाख के लगभग बाइक क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है, ये गुमराह करने के लिए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकल चार्ट में जिस प्रकार मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे टेक्निकल चार्ट में जिस प्रकार मैं रीड कर रहा हूँ, यस बैंक में आज अगर इंट्राडे में, ध्यान देंगे इंट्राडे में अगर 80 पॉइंट एंड 80 पॉइंट और 50 ब्रेक हो गया, तो यस बैंक आज आपको 79-78 एक कहना झटके से आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट 78 जो मैं आपको सपोर्ट बता रहा था, और इसने काफ़ी सम्मान किया है, सम्मान करते 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 थक गया है, लेकिन आज इसकी थकावट अगर ये ख़त्म हो गई, अगर आज 78 ब्रेक हो गया, इसने नीचे 78 को काट दिया क्योंकि इसी के आसपास बैठा है, मंडरा के बैठा है कुंडली डाल के, अगर 78 ब्रेक कर गया, यस बैंक की हालत है ना बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है, और ये आपको झटके से फिर आपको 72 और 65 और 50 तक के टारगेट, यानी कि ये आपको 60 से 50 रुपए की जो रेंज में आपको बता रहा था, यस बैंक बन सकता है DHFL, यानी यस बैंक DHFL जैसी हालत हो सकती है, पीसी ज्वेलर जैसा हालत हो सकता है, और ये ज़बरदस्त तरीके से नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा और भागेगा फिर जोरदार। यहाँ पर आज इंट्राडे में आज इसमें धूम मचाएंगे। आज देखो, जिनके भी यहाँ पे ज़बरदस्त ये लॉस हो रहा है, दिन की शुरुआत ये अच्छी नहीं चल रही है, तो एसएस मार्केट न्यूज पे एक एसएस मार्केट न्यूज ट्रू है, आपको डेली का डेली इनका अपना वर्क दिखाता है ज़बरदस्त तरीके से, आपको यूट्यूब पे भी जो ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमा के दिया है। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ सकते हैं, और अपन ज़बरदस्त तरीके से धूम मचाते हैं, पैसों की यहाँ पे बारिश होती है और अपना पैसा आप कमा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज को मैंने यूट्यूब पे आपको बता दिया है यस बैंक के बारे में, और जो भी स्टॉक्स और जो अदर स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ध्यान देंगे, अगर मैंने कल ही बता दिया बैंक निफ्टी, इंट्राडे में बता देता हूं अभी बैंक निफ्टी को, मैं अभी बैंक निफ्टी कहां पे एक मिनट में देख लेता हूं, और पोजिशनली मैंने बता दिया है 27,648 है बैंक निफ्टी, और 27,000 जो इसका मैंने टेक्निकल चार्ट जो मैंने देखा था इंट्राडे का 27,595, ध्यान देंगे यानी कि 600 के लगभग है, 27,600 अगर ये 595 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 27,350, लेकिन 350 और ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी 26,800 तक एक दो दिन में आने वाला है, बैंक निफ्टी 26,800 तक के बैंक निफ्टी टारगेट, और मैंने 4,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आपको जो दिए थे वो 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और 31,700 से मैंने बता दिया था बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी जुलाई और अगस्त तक आपको बने रही है, और मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे लोगों के जो कहे ना कि बताया था मैंने कि सरकार जो बनी है लेकिन यहाँ से मार्केट सरकार से नहीं चलता है, मार्केट मतलब कहे ना बीजेपी को नहीं देखता, मार्केट एक लोगों की सोच को, लोगों को कहे ना साइकोलॉजी उसको पकड़ता है मार्केट किस प्रकार अब मार्केट घूमेगा। और मैंने आपको FIA के डाटा बताया था, FIA 2014 में भी गवर्नमेंट सरकार बीजेपी सरकार बनी थी, लेकिन उसके बावजूद 2015 में FIA ने बिकवाली की, क्या बीजेपी सरकार नहीं थी? 2016 में भी FIA ने बिकवाली की, क्या बीजेपी सरकार नहीं थी? 2017 में FII ने बिकवाली की है, क्या बीजेपी सरकार नहीं थी? 2018 में FII ने बिकवाली की थी, क्या बीजेपी सरकार नहीं थी? तो ये मैंने आपको पहले ही 10-20 वीडियो बना के दे दिया है कि ये मार्केट का है ना, ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये आपको उड़ा देते हैं, लोगों को फंसा लेते हैं। अब जो लोग 12,000 रुपये लेके बैठे थे निफ्टी, उनकी तो यहाँ पे बर्बाद कर दिया है, उनको यहाँ पे बर्बादी के कगार पे ला दिया है। जो लोग 31,000 पे बैंक निफ्टी को खरीद के बैठे थे, उनकी यहाँ पे बर्बादी का यहाँ पे बर्बाद करके बैठ गए हैं। जो लोग रिलायंस 1400 पे लेके बैठे थे, उनकी हालत देखो आज। जो SBI को 370 पे लेके बैठे थे, उनकी हालत देखो आप। जो यस बैंक 280 पे लेके बैठे थे, उनकी हालत देखो आप।
तो मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी मार्केट की हालत जुलाई और अगस्त तक जबरदस्त तरीके से टूटने वाला है, और वो एक मैंने उसने सस्टेन किया, लोगों को गुमराह किया। मैंने टाइम फ्रेम आपके सामने रख दिया था क्लियर कट कि बैंक निफ्टी की हालत जुलाई अगस्त में जबरदस्त तरीके से खराब होगी, और जीडीपी ग्रोथ आपके सामने रख दिया था कि इसकी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा खराब है और ये हालत इतनी खराब होगी जो आपको 27,000 और 30,100 टारगेट, चारों टारगेट कंप्लीट करवा दिए हैं, और 26,800 का टारगेट भी आपको जल्दी आता हुआ मिलेगा। उसके पश्चात 26,225,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी यहां पे दे सकता है, और दिसंबर तक बैंक निफ्टी की हालत और निफ्टी की हालत बहुत ही ज्यादा यहां पे खराब और भी हो सकती है, आपको बता दूं दिसंबर तक। और जो निफ्टी है 10,500 के नीचे भी जा सकता है, निफ्टी 10,000 का लेवल भी तोड़ सकता है निफ्टी, आपको भी सुन लीजिए जैसे मार्केट न्यूज, ये संभावना है। बाकी अगर मार्केट में बाउंस बैक होगा तो बाउंस बैक के बारे में, क्योंकि मार्केट का बाउंस बैक होता है आपको बता देंगे, बाउंस बैक की कभी मार्केट सुधरेगा कभी अपनी रेंज दोबारा से बदलेगा। तो आज ध्यान दे लीजिए, यस बैंक में अगर 78 ब्रेक हो गया तो यस बैंक की हालत ना बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी और यस बैंक नीचे भागेगा। इंट्राडे में अगर आपको जबरदस्त प्रॉफिट कमाना हो, कल मारुति मैंने 3 टारगेट दिए, तीनों टारगेट 100% कंप्लीट हुए थे, अशोक लेकर 100%, बजाज फाइनेंस का 100%, HDFC का 100%, यस बैंक का टारगेट 100%, एक्सिस बैंक का तीनों टारगेट 100%, और PC ज्वेलर SBI के टारगेट 100%। PC ज्वेलर का कल अपने जो कोल था बराबर पे कटवाई थी, और SBI का जो यूट्यूब का टारगेट 100% रहा था। लेकिन इंट्राडे के लिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आना होगा, जो भी सज्जन अगर व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ नहीं पाए हैं तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए 7689871065 है। और इंट्राडे में फिर से आज मैं धूम मचाने वाला हूं, आपको भी बोल रहा हूं धूम मचाने वाला हूं, जबरदस्त तरीके से पैसों की बारिश होगी आज फिर इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है जबरदस्त तरीके से मेरी पकड़ में आ रही है, और ये जबरदस्त तरीके से आज मार्केट फिर भागेगा नीचे, और मार्केट में आज जबरदस्त तरीके से अपने पैसा बनाएंगे, जब मार्केट नीचे जाए जब मार्केट ऊपर जाए अपना पैसा यहां पे पक्का बनता है ऐसा मार्केट न्यूज पे। जो भी सज्जन अगर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहें, अभी जो भी सज्जन यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ना चाहें, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है देखो यहाँ पे 100% प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका जो सर ने क्या लिखा है, मेड प्रॉफिट नहीं, यस बैंक सेल और सेकंड बाय टारगेट मिल जाता और अच्छा हो जाता, लेकिन अंतफला सोफला, क्योंकि इन्होंने यस बैंक में कल जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमाया, इन्होंने मेरे यूट्यूब कॉल को भी जो पकड़ा था, और यूट्यूब के मैंने बताया था 87.40 से ब्रेक होगा, यस बैंक आपको 80 तक के टारगेट दिखाएगा, उसके नीचे भी जा सकता है। तो इन्होंने जबरदस्त तरीके से पैसा छापा, इन्होंने सेल कॉल का भी जबरदस्त तरीके से पैसा छापा है, और अपना यहाँ पे जो कॉल वर्क चलता है देखो 100% चलता है, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पैसों की बारिश होती है कंटिन्यू। 2 डे यस बैंक, उस समय पहले लिखा था मैंने 2 डे यस बैंक के अलावा 100% टारगेट सक्सेसफुल, उस वो भी लास्ट में ये था अपना 2:54 का ये मेरा कमेंट था। उसके पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक का टारगेट भी यहाँ पे 2 डे 3:05 यस बैंक का टारगेट भी यहाँ पे 100% सक्सेसफुल मैंने करवाया है। तो यहाँ पे जो पैसों की बारिश चलती है जबरदस्त तरीके से यहाँ पे धूम चलती है, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे पैसों की बारिश चलती है, और जबरदस्त तरीके से इन सर ने कल स्क्रीनशॉट ही भेजा है। देखो इन्होंने यस बैंक में अकेले यस बैंक में देखो इन्होंने 2 बार काम किया यस बैंक में, तो इन्होंने लगभग यहाँ पे 4,500 के लगभग इन्होंने यस बैंक में अकेले में पैसा यहां पे छापा है। और उसके पश्चात इन्होंने जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में तीनों टारगेट, मारुति में तीनों टारगेट, अशोक लेन में टारगेट, बजाज फाइनेंस में टारगेट, और बैंक निफ्टी में दो दो टारगेट जबरदस्त तरीके से पैसा यहां बनता हुआ है। यानी कि आप एक ही दिन में यहां पे अगर आपका अच्छा खासा आपका मार्जिन है, आपके पास अच्छा खासा डीमैट अकाउंट है, 1,00,000 रुपए के समथिंग आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप अच्छा खासा एक ही दिन में 20,000 से 30,000, 40,000 तक का आप अर्न कर सकते हैं एसएस मार्केट न्यूज पे। लेकिन टारगेट तो आपको बुक करना ही होगा, ऐसा कि टारगेट आ जाए आप छोड़ देंगे। ओके दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सज्जन जुड़ना चाहें व्हाट्सएप के माध्यम से तो जुड़ सकते हैं अभी बोल रहा हूं जुड़ सकते हैं। और यहां पे देख जो कॉल गई है आप देख सकते हैं किस प्रकार के, यहां पर कल मैंने 12 बजे मारुति की कॉल दी थी, और मारुति के टारगेट तीनों टारगेट 100% सक्सेसफुल रहे हैं। उसके अलावा बजाज फाइनेंस कर दिया था, एक्सिस बैंक का मैंने सुबह सुबह दे दिया था, यहां पे एक्सिस बैंक का आपको दिखा देता हूं एक मिनट, ये देखिए एक्सिस बैंक का मैंने सुबह सुबह दिया था, इसको भी तीनों टारगेट 100% कंप्लीट, पीसी ज्वेलर के भी जो टारगेट थे वो इसको मैंने बराबर पे कटवा दिया था, और बैंक निफ्टी का टारगेट यहाँ पे 100% कंप्लीट होते हुए। तो जो भी सज्जन अभी लास्ट है, जो मार्केट अभी ओपन होने वाला है 30 मिनट है, जो भी सज्जन जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ सकते हैं, नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 7689871065, और फिर
यस बैंक का ध्यान रखना। आज यस बैंक आपको व्हाट्सएप को बता दिया, यूट्यूब पे मैंने सभी को बता दिया, लेकिन इंट्राडे में फिर एक्सिस बैंक, बैंक निफ्टी और फलाना डिम का सारे स्टॉक्स है, उसमें आपको जबरदस्त पैसा जो बनेगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं बताऊंगा। लेकिन यस बैंक का ध्यान रखा, अगर 78 ब्रेक हो गया सुबह सुबह इंट्राडे में, अगर वो 80.60 ब्रेक हो गया तो फिर वो 78 तक के टारगेट दिखाएगा, 78-79 तक टारगेट दिखाएगा। अगर वो 78 ब्रेक हो गया यस बैंक में ध्यान देना, तो यस बैंक की हालत ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन यस बैंक के लिए सुन लीजिए, यस बैंक का यहाँ पे 80.65 अगर ब्रेक नीचे नहीं करता, यस बैंक ऊपर जंपी मार सकता है। दोनों पास सुन लीजिए, अगर से 80.65 ब्रेक नहीं करता है और ऊपर जाके वो 83.50 निकाल देता है, तो यस बैंक ऊपर भाग सकता है, जो कि 85-87 तक के मैंने टारगेट दे रखे हैं। ध्यान देंगे, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।